बिहार के समस्तीपुर जिले में मिला है तेल का भंडार। समस्तीपुर के सैदपुर प्रखंड में मिला है तेल का भंडार। गंगा नदी बेसिन के आसपास के क्षेत्रों में मिला है तेल का भंडार। किलोमीटर में फैला विशाल भंडार भारत के भविष्य में एक और चांद लगाएगा। समस्तीपुर जिले के आसपास के लोगों में खुशी का जश्न है। वही ONGC ने अपनी पूरी तैयारी के साथ दिन रात एक करके ड्रिलिंग करने में जुटी हुई है, जिससे बहुत ही जल्द ही तेल की आपूर्ति की जा सकती है, जिससे गल्फ कंट्री पर होने वाली तेल की निर्भरता को कम की जा सकती है। इस खुदाई में लगभग 30 से 40 करोड़ की खर्च आएगी। लगभग 1 से 2 वर्ष की खुदाई के बाद तेल की आपूर्ति होने की संभावना है। कैसा लगा हमारा ये प्रयास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। का सीन हम कभी देखते थे बॉम्बे हाई और वहाँ पर तेल निकलता हुआ, लेकिन राजस्थान की देखो आप, ये जो मरुता है ये ऑयल इंडिया की जो फर्म है इसका, और इसकी जो गहराई है वो 12,000 फीट है और बहुत ही गहरे गहरे कुएँ हैं यहाँ पर जिनसे तेल निकाला जाता है। तेल निकालने के लिए जैसे अपना हेडपम्प होता है ना, उस हेडपम्प की तरह ये मशीन जो है एक डोली भर के लाती है, फिर वापस ऊपर आती तो खाली होती है, फिर जाती है, फिर आती है। इस प्रकार जो है वो धीरे प्रक्रिया निकलती है और ये जो है लगातार जो है चलता रहता है। लाइट के ऊपर जो है पूरा ये सिस्टम चलता है, और इसके बाद में जब ये तेल निकल जाता है इसको निकाल के और यहीं पे स्टोरेज किया जाता है, और उसके बाद में अभी तक जब तक रिफाइनरी नहीं बनी राजस्थान में तब तक इसको वापस गुजरात में ले जाकर वहाँ पर जो है इसको साफ करके और फिल्टरिंग करा के फिर हमारे काम लेने के लिए ये तेल है वो आता है। राजस्थान के अंदर ये कई वर्षों से इसके ऊपर काम चल रहा था और अभी जो है इसका उत्पादन शुरू हो गया, लेकिन इस तेल का अभी फिल्टर होके और पूरा काम लेना, अभी इसको इस्तेमाल करना पूरा काम जो है शुरू नहीं हुआ है। इस प्रकार जो आप देखें तो दूर दूर तक मतलब बहुत शुष्क एरिया है राजस्थान का, ये मरु प्रदेश है इसके अंदर, और यहीं पे इस प्रकार तेल निकलने शुरू हो गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी